हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मजे में होंगे। तो आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी ऐसी ये रेसिपी बनाएंगे। आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम हमारे ये चैनल पे बहुत ही फेमस और बहुत ही सभी की फेवरेट ऐसे मिल्क केक बना रहे हैं। जी हाँ, मिल्क केक, जिसे हम सिर्फ एक ही सामग्री वाली मिठाई भी कह सकते हैं और इसे हम दानेदार वाला हलवा भी कह सकते हैं। आप इसे सिर्फ दूध का हलवा भी कह सकते हैं, या तो इसे अलवर का मावा भी तो कहते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ हम बनाएंगे ना, तो जो हलवाइयों के दुकान पर होती है ना, उससे भी कई गुना अच्छा हम घर पर ही बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ हमें बातों का फॉलो करना है और कुछ टिप्स का फॉलो करना है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली के चैनल में आपका स्वागत है। रोज नई वीडियो के लिए पारुल भानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपना फीडबैक आप मुझे देते रहिए। रोज नई वीडियो के लिए लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर हमने फुल फैट दूध लिया है, जिसे हम क्रीम वाला दूध कहते हैं। वो यहाँ पर मैंने मिश्री ली है, जिसे खड़ी शक्कर कहते हैं। आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हो। और ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसका यूज हम आगे करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आगे इसका देखेंगे कि कब इसे यूज करना है और कितना यूज करना है। और ये ना भी हो तो इसके बदले में हम ऑप्शन में और क्या लें। तो कोई भी एक चीज ना हो तो उसके बिना कोई रेसिपी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मोटी सी जाड़ी तली वाली कढ़ाई ली है, उसमें हमने घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर जो है हमने वही कढ़ाई में दूध ले लिया। मैंने यहाँ पर दो कढ़ाई ली है, मतलब कि दो कढ़ाई में एक एक लीटर दूध अलग से लिया है, क्योंकि मेरी जो मोटे तले वाली कढ़ाई है ना, वो छोटी है। तो मैंने दो अलग अलग बर्तन में दूध ले लिया है। अभी हमें ये दूध को है ना, जब तक उबले नहीं तब तक हाई फ्लेम पर भी रख सकते हैं, और बीच बीच में इस तरह से हम चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो है तलिए में चिपके ना। और हमने वैसे भी जो घी लगा लिया है ना, तो उसकी वजह से दूध चिपकता नहीं है, और वैसे भी किनारों पे थोड़ा सा तो हमें चिपका हुआ चाहिए, क्योंकि हमें जो है इसका मावाई का लुक जो देना है। और जैसे ये चिपकेगा ना, तो इसका कलर भी है चेंज होते जाएगा। तो अभी जो है हमने दो, जो हमारे पास 2 लीटर दूध थे ना, तो दोनों को हमने एक साथ कर लिया। मतलब कि अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा जो दूध है ना, उबल कर 2 लीटर में से 1 लीटर से भी कम उतना हो चुका है, मतलब कि 1.25 लीटर के आसपास। तब हम यहाँ पर जो है एक चुटकी, मतलब एक पिंच जो नींबू के फूल आते हैं, वो पूरे ऐसे कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी जगह पर डाल देंगे। आपके पास नींबू के फूल ना हो तो आधा चम्मच नींबू का रस भी है ना, उसको हमें छान कर इस तरह से दूध में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देना है। अगर नींबू का रस भी ना है तो आप थोड़ा सा जो फिटकड़ी आती है ना, उसका भी यूज कर सकते हो एक चुटकी भर। अब जो हमारा दूध और गाढ़ा हो गया, तब मैंने यहाँ पर खड़ी शक्कर लिया है। खड़ी शक्कर को मैंने दरदरा कूट लिया है। अगर आप नॉर्मल चीनी यूज करते हो तो थोड़ी देर के बाद ही डालें, क्योंकि खड़ी शक्कर जो है उसे पिघलने में वक्त लगता है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा पहले ले ली है। और खड़ी शक्कर जो है वो हमारे शरीर को ठंडक देता है। हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हम है ना जो बर्तन में इसे रखेंगे उसे हम बहुत ही अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी थाली या कोई भी बर्तन का इसके लिए यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर मैंने जो कुछ कपड़े भी लिए हैं, तो इसका भी हमें कब यूज करना है और कैसे करना है वो भी दिखेंगे। पहले हम ये बर्तन को बहुत ही अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कॉटन का नैपकिन लिया है, उसे हम अच्छे से खोल देंगे और उसे हम है ना ये बर्तन में चारों तरफ कवर कर देंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मावा है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर जो हमने ये नींबू के फूल लिए ना, उसकी वजह से थोड़े थोड़े से दाने दिखाई देंगे, उसकी वजह से तो बहुत ही दानेदार ये हलवा लगता है। जरूरी नहीं है कि आप नींबू के फूल का ही यूज करो, सेम रिजल्ट आपको फिटकड़ी या तो फिर जिसे हम लेमन जूस कहते हैं या नींबू, उससे भी आ सकता है।
बस हमें यही ख्याल रखना है कि हमें 2 लीटर के लिए सिर्फ एक चुटकी भर लिया है। यहाँ पर जो है मैंने 2.5 से 3 चम्मच के जितना गाय का घी ले लिया है, और घी डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये हमारी कढ़ाई को भी छोड़ रहा है, आप देख सकते हो कि एकदम हमारा मिश्रण जो है एकदम ठीक हो गया है। अब हम इसे ना प्लेट में निकाल कर, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे इसे चेक किया जाता है। देखिए ये प्लेट से हिल भी नहीं रहा है और इसको एक बाइंडिंग भी आ रही है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ना चीनी को बहुत पहले नहीं डालना है। अगर आप चीनी लेते हो तो, अगर आप खड़ी शक्कर लेते हो तो उसके मोटे मोटे टुकड़ों का थोड़ा सा पहले भी ले सकते हो। अभी हम इसे है ना एक बर्तन में ले लेंगे और इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। इसमें से कम 2-3 चम्मच तो मेरे घर में गरम गरम भी खा लिया है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये गरम गरम, और जब पकता है ना तब भी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अभी हमने इसे सेट तो कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो ये बर्तन है ना इसके ऊपर हम इसे बहुत ही अच्छे से ढक देंगे, मतलब कि कवर कर देंगे। और इसे हमें ना ये बर्तन को जो है एक कोई भी मोटा कपड़ा या जो कोई भी ब्लैंकेट हो या चादर हो या तो कुछ भी हो, ऐसे कोई भी मोटे कपड़े में हमें इसको लपेट के पूरा कवर कर लेना है। यहाँ पर जो है हम इसे कवर करेंगे ना तो हमारा जो ये दानेदार हलवा वो भी एकदम गर्म है, और इसे हम इस तरह से कपड़े में लपेटेंगे तो और ऊपर से गर्मी मिलेगी। तो इसमें है ना 2 शेड आपको दिखाई देंगे, मतलब कि हल्के से 2 अलग अलग कलर। हमने इसे है ना ढक कर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए ढक कर रख देना है, या तो आप इसे शाम को बनाकर ओवरनाइट भी रख सकते हो। और कोई भी ऐसी जगह पर रखना है कि हमें इसको कहीं पर इसको हिलाना ना पड़े और ना ये डिस्टर्ब हो जाए। तो हमें ना अभी 7 घंटे हो चुके हैं, तो 7 घंटे के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे। हमने इसे बहुत अच्छे से ढका है तो ये बहुत ही अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट और हलवाई स्टाइल का परफेक्ट दानेदार मिल्क केक हमारा तैयार है। आप भी इस तरह से पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे टिप्स के साथ बनाओगे तो आपका भी जो हलवा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही, जैसे हम कह सकते हैं ना, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला बन जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझसे और भी कोई रेसिपी की जानकारी चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और देखिए ना दोस्तों, हम देखते ही देखते कितनी बड़ी एक यूट्यूबर फैमिली बन चुके हैं, जैसे कि एक हमारी एक अच्छी सी फैमिली हम बन चुके हैं, और रोज़ हमारा आपस में मिलना भी हो जाता है और आपके बहुत अच्छे से कमेंट और लाइक भी मिलते हैं ना, तो उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो मैं पारुल जल्दी से मिलूंगी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, एंजॉय, और रोज नए वीडियो के लिए आप पारुल भानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक भी आप मुझे देते रहिए। आने वाले वीडियो में आप कोई भी चेंजेस चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आने वाले वीडियो में हम वो हिसाब से चेंज करके आपके साथ शेयर करें। तो देखिए हमारा ये मिल्क केक, हम इसे तोड़कर भी चेक कर लेंगे। एकदम परफेक्ट हलवाइयों की दुकान पर होता है ना, सेम वैसा ही हमारा ये मिल्क केक, या तो हमने जैसे कहा ना दूध का हलवा या तो मीठा मावा तैयार है। देखकर ही आपके मुंह में भी पानी आ गया ना, और इस तरह की घर की बनी मिठाई हम अगर भगवान जी को भोग भी धराए ना तो भी और भी ज्यादा हमें अच्छा लगता है।